हेलो एवरीवन, आज मिले हैं हम नए वीडियो के साथ और आपके लिए न्यू नेकलाइन मैं लेकर आई हूँ। इस नेकलाइन को बोलेंगे स्क्लॉप नेकलाइन, बराबर। इसमें क्या होगा, ये ऐसे ऐसे राउंड होगी, ओके। इसमें हम फ्रंट में भी यही पार्ट रखेंगे और बैक में भी यही पार्ट रखेंगे, ओके। और ये नेक होगा डिप, और इसलिए हमारा शोल्डर होगा माइनस। इसलिए आप इसकी थियोरी को आपको फुल देखना है और अच्छे से समझना है, और आपको राइट डाउन करनी है, और आपको प्रॉपर तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग सीखनी है, ओके। तो इसका मेजरमेंट होगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 34 ही हमने चेस्ट रखी है, और इसके अकॉर्डिंग हम सारी नेकलाइन क्रिएट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले लेंथ होगी हमारी 14 इंचेस, शोल्डर होगा 14.5 इंचेस, बैक नेक ड्रॉप होगा 10 इंचेस, फ्रंट नेक ड्रॉप होगा 7.5 इंचेस। ये नेक हमारे डीप होंगे, ओके। चेस्ट होगी 34, बस्ट कप होगा 36, छाती मतलब हमारा जो चेस्ट होता है 34, उसमें जो हमें कप ऐड करेंगे वो 36, हमेशा 2 इंचेस का कप बड़ा रहेगा, ओके। वेस्ट होगी 20 इंचेस, बस्ट पॉइंट होगा 9.5 इंचेस, एपेक्स टू एपेक्स होगा 7.5 इंचेस, कप हाइट होगी हमारी 3.5 इंचेस, ओके। ये आपको प्रॉपर तरीके ये मेजरमेंट लेनी है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कस्टमर के और अपने खुद के भी, ओके। इस मेजरमेंट के हिसाब से आपका ब्लाउज पूरा फिट आ सकता है, ओके, बराबर। अभी हम क्या करेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं, इसको कैसे हमें बनानी है। ऐसे हमारी ड्राफ्टिंग होगी, ये हमारी पूरी जो मैंने खिचड़ी बना रखी है उसको हम स्टेप बाय स्टेप परोसने वाले हैं, ओके। इसमें देखो, इस तरह शोल्डर माइनस हो रही है, फिर हमारा नेक की हमारी ड्राफ्टिंग हुई है, इधर से हमने ये शोल्डर को माइनस किया है और ये हमने ड्राफ्टिंग न्यू क्रिएट की है। इतना हमारा शोल्डर माइनस हो चुका है और ये नेक डिप हो रहा है, बराबर। ये नेक ऐसे डिप करने से आपका शोल्डर नहीं उतरेगा, और इधर से हमें शोल्डर माइनस करेंगे तो आपका शोल्डर पूरा झोल नहीं पड़ेगा और इधर से भी नहीं उतरेगा, पूरा फिट रहेगा, ओके, बिना डोरी के। इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी स्टेप बाय स्टेप थियोरी देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ओके। ऑल वीडियो में ये 4 स्टेप सेम होते हैं। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.5 इंचेस, ओके। इसमें हमने डार्ट को इंक्लूड कर ये मेजरमेंट लिया है, हमें हमारा शोल्डर कितना मिलेगा 8.75 पर, हमें शोल्डर कितना चाहिए 7.25, इसमें डार्ट इंक्लूड है, इस डार्ट को हटाना है हमें, ओके। ये सब बेस पेपर पर होगा, अपने कपड़े पर नहीं होगा ये सारे डार्ट्स। अभी आपको शोल्डर लाइन पर गले का मार्क करना है, आपको कितना गला चाहिए उसके अकॉर्डिंग मार्क करनी है। हमने इधर छोटा रखा है पर हमारा गला डीप है, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से इसकी थियरी देखनी है, ओके। तो अभी आपको शोल्डर लाइन से आपको 1.5 इंचेस 4 सेंटीमीटर नीचे जाना है। नाउ यू हैव टू गो 4 सेंटीमीटर बिलो द शोल्डर लाइन। अभी आपको शोल्डर के सेंटर से 1.5 इंचेस 4 सेंटीमीटर का डार्ट लेना है। नाउ यू हैव टू टेक अ डार्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शोल्डर, ओके। अभी ये डार्ट को हटाना है और अपने बेस पेपर पर इस डार्ट को हटाकर अपने अच्छे से कपड़े पर, जिस पर आपको ब्लाउज स्टिच करनी है, उस स्तर पर आपको ये बेस पेपर रख कर उसको कटिंग करनी है, कब, डार्ट को हटाने के बाद। और अभी ये 1.15 का डार्ट को हटाना है तो आपको 7.25 का शोल्डर मिलेगा, बराबर। यह हो गया आपका शोल्डर, आपको मिल गया। अभी इसमें भी आपको माइनस करना है, कैसे, क्योंकि आपका गला डीप है, इसमें से भी आपका माइनस होगा। शोल्डर हमें मिलेगा, वी विल गेट शोल्डर 4.75, शोल्डर डाउन होगा, शोल्डर डाउन विल बी 1.25, ओके। आर्म होल होगा 15.5 सेंटीमीटर, बट ये अंदर जा रहा है ना, तो हमें कितना 16 सेंटीमीटर हमें ये हमारा आर्म होल मिलता है। अभी हमारा नेक डीप है, इसलिए हमें क्या करना होगा, शोल्डर को माइनस करना है। शोल्डर माइनस कैसे होता है, इसका एक मेजरमेंट, एक फॉर्मूला है। तो टोटल शोल्डर को -3/2 करना है, ये फॉर्मूला ऑल साइज में बराबर ही रहेगा, पर शोल्डर चेंज होगा। 14.15 हमारा शोल्डर है, -3 करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, ओके। 11.15/2 प्लस इज इक्वल टू 5.75, ये हमारा माइनस हुआ शोल्डर मिला है। यही शोल्डर आपको रखकर मेजरिंग कर आपको कटिंग करनी है, इससे आपको क्या होगा, आपका नेक नहीं उतरेगा और प्रॉपर आपका नेक
बैठेगा। ओके, हमें शोल्डर कौन सा मिलता है, 5.75 इंचेस बराबर 15 सेंटीमीटर हमारा माइनस हुआ शोल्डर हमें मिलेगा। बराबर माइनस किया हुआ शोल्डर जितना है उतना ही मार्क हमें चेस्ट लाइन पे करना है, इसको ही हमें नीचे जाना है और इसका ही हमारे चेस्ट लाइन का हमारा मार्क होगा। ओके, द मार्क टू बी मेड ऑन द चेस्ट लाइन इज द सेम एज द शोल्डर माइनस। ओके, जब भी हमारा नेक बड़ा हो फ्रंट या बैक तो हमें यही प्रोसेस को इस्तेमाल करना है, इसी प्रोसेस को उसमें इंक्लूड करना है। अभी आपको आर्म हॉल के बीच में मार्क करना है एज इट इज। ओके, जो सारे वीडियो में मैंने बता रखा है, फिर से 0.75 आगे पीछे लेना है और इसको हमें आर्म होल का कर देना है और इधर हमारा रहेगा 0.75 क्रॉस मार्क क्योंकि हमारी 34 चेस्ट प्लस है। अभी आपको नेक की ड्राफ्टिंग करनी है, दोनों साइड नेक डीप है इसलिए प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ओके, नाउ वी हैव टू ड्राफ्ट द नेक, बोथ साइड नेक इज डीप सो फॉलो द प्रोसेस। ओके, जब भी नेक आपका डीप हो तो इस स्टेप को आग बंद करके फॉलो कर दीजिए, आपका नेक नहीं गिरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, शोल्डर के सेंटर मार्क से नेक डीप का मार्क करना है। बराबर द डेप्थ ऑफ द नेक इज द मार्क फ्रॉम द सेंटर मार्क ऑफ द शोल्डर। बराबर हमारा नेक डीप कितना होगा, 7.519 सेंटीमीटर। बराबर शोल्डर की स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है, इधर से हमें शोल्डर ड्रॉ कर, जहाँ पर हमारा शोल्डर डाउन होता है वहाँ पर हमें स्ट्रेट मार्किंग ड्रॉइंग करनी है। बराबर अभी क्या करना है इसमें, अगर आपकी नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है, अगर आपका जो नेक है वो ये चेस्ट लाइन से नीचे जाता है तो आपको एक प्रोसेस और करनी है, 0.25 इंचेस आपको डाउन होना है, 1 सेंटीमीटर की एक लकीर बनानी है। इफ द डेप्थ नेकलाइन इज गोइंग बिलो द चेस्ट लाइन सो 0.25 इज टू बी डन माइनस। ओके, ये आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। अभी क्या करना है, आपको शोल्डर क्रिएट करना है। अभी आपको शोल्डर के सेंटर के स्लोप नेकलाइन ड्रॉ करनी है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द स्क्वायर नेकलाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शोल्डर। ओके, ऐसे आपको स्क्वायर बनानी है, फिर उसके अंदर सर्कल बनाना है और सर्कल बनाने के बाद आपको अपनी डिजाइन क्रिएट करनी है। ये बैक और फ्रंट दोनों में सेम रहेगी इसलिए आपको ये स्टेप फॉलो करना है। इस स्टेप को फॉलो करते ही आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और एकदम बराबर आपको फिट एंड फिट आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। इसलिए आप इस को जरूर ट्राई करिएगा और इस ड्राफ्टिंग को आप अच्छे से राउट डन कीजिए, इसकी स्टिचिंग क्लास भी आपको आगे मिलती रहेगी। इसलिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिए और ये स्टेप बाय स्टेप थियरी चल रही है वैसे ही स्टिचिंग क्लास भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपको डीप में नॉलेज मिलने वाली है। इसलिए जिसको भी इसकी ज़रूरत है उससे आप इसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।